भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव इस कदर बढ़ गया था कि शिवसेना द्वारा कार्यक्रमों के लिए लगाए जाने वाले पोस्टरों पर से उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गायब कर दिया था। इसी तरह भाजपा के पोस्टर से एकनाथ शिंदे को गायब कर दिया था। लेकिन एक बार फिर भाजपा और शिंदे गुट आपस में अपनी एकजुटता का प्रतीक दे रहे हैं। उसमें कोई विवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना हम सब एक है। ये एक परिवार में छोटा मोटा मतभेद होता है, उसको सुलझाया जाता है, हमारे वरिष्ठों ने सुलझा दिया, अभी हमारे में कोई मतभेद नहीं है। कल्याण लोकसभा में असहकार का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, क्या उल्लासनगर में भी ऐसी कोई भूमिका रहेगी? कोई भूमिका नहीं रहेगी, जो हमारे वरिष्ठ कहेंगे, जो भी हमें कैंडिडेट देंगे, हम उसको बड़ी संख्या में चुन के लाएंगे। सर, ये जो विवाद था देवेंद्र फडणवीस साहब या बाबू साहब को बताया गया था क्या, और उन्होंने ये सबमिट किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखिए, वरिष्ठ जो भी निर्णय लेते हैं हम मंजूर करते हैं। अभी भी जो वरिष्ठों ने जो भी निर्णय लिया है उनकी सहमति है, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। लेकिन ये जो विवाद है बताया गया था, उनके कान पे डाला था कि ये पता। हमारे अध्यक्ष साहब ने सब बता दिया आपको विस्तार में। अभी हमारा कोई विवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में। इसके बाद में बैनर नहीं लगेगा दोनों पक्षों के? देखिए, हम तो चाहते हैं कि कोई भी बैनर नहीं लगे, क्योंकि हम एक परिवार है। आज हमारा बरसों से रिलेशन है, आज का रिलेशन नहीं है। लेकिन कोई कार्यकर्ता को जो अध्यक्ष साहब ने बताया कुछ को नाराजगी रहती है, वो पर्सनल को व्यक्तिगत कुछ लगाता है तो अलग बात है, बाकी हमारे युति के हिसाब से कोई बैनर नहीं लगते। देखिए, आज के बाद में हम कोशिश करेंगे कोई बैनरबाजी ना लगे, हम जिस तरीके से एक हैं कोई मतभेद होने नहीं देंगे आगे से। अगर बैनरबाजी हुई तो कार्रवाई करेंगे? जरूर कार्रवाई करेंगे सर। मतलब सर, अशी काही गोष्टच नव्हती, ज्यांनी ज्यांनी लावले बॅनर त्यांनी त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या समर्थनार्थ लावले। आणि आता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, आता जमनोजींनी सांगितलं की अशी काही गोष्टच नाहीये, त्यामुळे हा प्रश्नच आता निर्माण होत नाही। आपण जो बॅनर लावला होता त्यात आपण खासदारांचं कौतुक किंवा समर्थन केलं होतं, मात्र भाजपने लावलेल्या बॅनरवर आपल्याला विवचनात आलं होतं असं आपल्याला वाटत नाही? काहीच नाही, त्यांना जी आकडेवारी जी पहिली होती ती फक्त त्यांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय कोणीतरी आपल्या उत्साहात मध्ये, पण जे आहे ते पहिल्यापासून आहेच ना। तुम्ही कमजोर म्हटल्यामुळे त्यांनी आकडेवारी टाकली का? आम्ही कोणाला कमजोर म्हटलंच, बॅनर लिहिलं एक शेरोशायरी, आता शेरोशायरी टाकणारे आता काय उत्साही, आमचे पण काही कलाकार आहेत त्यांनी लिहिला, पण समर्थनार्थ बॅनर म्हणजे आम्ही आमच्या नेत्याचा बॅनर, त्यांनी त्यांच्या नेत्याचा बॅनर, याच्यामध्ये कोणाला डिवच नेता सांगण्याचा काही असा प्रश्न नव्हता। मुळात गणपत गायकवाड यांची नाराजगी आमच्यावर असूच शकत नाही, कारण त्या मतदारसंघामध्ये गणपत गायकवाड यांनी एवढं कार्य केलेलं आहे आमच्या वार्डामध्ये, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या बरोबर जाऊ, नाहीतर त्यांनी एवढा फंड आमच्या वार्डामध्ये कशाला दिला असता नाराजगी असती? तर त्यांनी असं म्हटलं की काही लोक स्वतःला मुख्यमंत्री समजतात, त्यांनी तुम्हाला उद्देशून असं म्हटलंय, तर तुमचं काय? असं मला वाटत नाही, कारण का ते आमदार आहेत आणि कोणाला म्हणणार नाही, आणि जर का त्यांनी म्हटलं असेल तर असं वाटतं ना, घरातला मोठा माणूस जर का एखादा जर का पोलीस अधिकारी असेल तर त्याची बायको पोलीस अधिकारी नसते, आमच्या घरातले आमचे मोठे भाई मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे आम्हाला वाटतं आम्ही मुख्यमंत्री, असं काही नाही। पण आपल्याला लहान भावाच्या भूमिकेत राहायला आवडेल का? आम्ही लहानच आहोत, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जमनोजींनी सांगितल्याप्रमाणे की लहान भाऊ मोठा भाऊ असं काय नाही, त्यांनी जे उदाहरण दिलं ते उदाहरण अगदी तंतोतंत बरोबर आहे। लावला कधी हेच माहित नाही आणि काढला कधी हेच माहित नाही। चोरीला गेला कारण महापालिका मध्यरात्री चालू नसते, तर तुम्ही कोणी काढून नेला का? मला तर माहितच नाही कुठला बॅनर लावला, आता ते पत्रकारांच्या माध्यमातून जेव्हा सांगितलं तेव्हा माहित पडलं, मला तर माहितच नाही। वॉर चालू था बीजेपी और शिवसेना के बीच में, अभी आप दोनों पार्टी के नेता एकत्रित बैठकर चर्चा की, क्या हल निकला इसमें और क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला और शिवसेना शिंदे गट के सभी पदाधिकारी हम सब एक हैं, हमारे अंदर कहीं भी कोई मनमुटाव आपस में नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर कोई कार्यकर्ता ऐसे एक दूसरे के प्रति अगर नाराजगी व्यक्त करते हैं तो उनका जो नाराजगी है वरिष्ठों के सामने बिठा करके दूर किया जाता है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वरिष्ठों के साथ बैठ करके ऐसे छोटी मोटी बातों को हल निकाल लें और हम सब मिलकर शहर विकास के लिए कार्य करें। बीच में जो बैनर पोस्टर हुए वो बात अब खत्म हो चुकी है, उनकी तरफ से भी एक बैनर आया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जवाब दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक हैं। गुस्से में आकर के किसी कार्यकर्ता ने अगर ऐसी बात कही है तो उसे दूर कर दिया जाएगा और वरिष्ठ हमारे निर्णय लेंगे। जैसे हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे अध्यक्ष माननीय बावन कुले जी ने कहा है कि शिवसेना और भाजपा की युति एकदम मजबूत युति है और हम पहले से भी ज्यादा सीटें लाएंगे, चाहे लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे उल्लासनगर महानगर पालिका हो, हमारा उद्देश्य शहर विकास के लिए काम करना है,
महाराष्ट्र में जो युति बनी है वो लोगों की भावनाओं को देख करके बनी है। लोगों ने जो अपना मत दिया था भाजपा शिवसेना के लिए वो आपस में मिले हैं, तो यह युति कायम रहेगी, इसमें कोई भी दरार नहीं है, हम सब एक हैं। ये छोटी मोटी बातें जो ही हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। आप देखिए, एकनाथ शिंदे जी हमेशा छोटे भाई की तरह ही रहे हैं, पहले भी जब अभी हमारे साथ अपना उद्धवगढ़ छोड़ के आए तो रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय अमित शाह जी, हमारे वरिष्ठ, हमारे माननीय फडणवीस जी, इन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया है। और जब हमारे साथ जुड़े थे तब भी 50 और 105 के आंकड़े थे, अलग अलग नहीं थे, तो इसमें कोई बात है ही नहीं ये लिखने की कि 50 क्या और 105 क्या, चाहे कोई छोटा है या कोई बड़ा है। हम सिर्फ अपने प्रदेश का विकास, अपने शहर का विकास करने के लिए जुड़े हैं और हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। वरिष्ठ हमारे निर्णय लेंगे, उसके हिसाब से कार्यकर्ता काम करेंगे। देखिए, कार्यकर्ता के अंदर जब इस प्रकार के उफान उठते हैं तब कार्यकर्ता किसी की समझ को नहीं सुनता है और न ही वरिष्ठों से कुछ पूछता है, लेकिन ऐसे बातें हो जाने के बाद कार्यकर्ताओं को जब समझ समझाया जाता है तो कार्यकर्ता समझ से काम करते हैं। मुझे पूर्ण यकीन है कि अरुण आशान जी भी, जिन्होंने पहले बैनर लगाया, उनको भी समझ आई है कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए, और हमारे प्रदीप रामचंदानी जी ने भी जो लगाया है, तो दोनों भाई हैं, एक ही पक्ष में हैं, शिंदेगढ़ हो या भाजपा हो, सब एक हैं, सब मिल करके काम करेंगे। और इस शहर के अंदर जितने भी विकास के कार्य हैं हम लेके आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हमारा सहयोग करेंगे। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, महाराष्ट्र में जो सत्ता हो रही है, जो युति की सरकार है, इसमें आपने देखा होगा आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हुआ है। और उल्लासनगर के लिए यह जो कार्यकाल है सबसे ज्यादा विकास का कार्यकाल है, इसमें जितना विकास होगा पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ होगा। ये कॉर्पोरेशन में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है? देखिए, प्रदीप रामचंदानी जी ठेकेदार से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और बहुत अच्छी समझ रखते हैं। वो अगर उनको कुछ ऐसा नजर आया होगा तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।